साखी कुबीजा मालिन की। प्रेम भक्ति के संसार में कुबीजा का नाम बड़ा आदर सत्कार से लिया जाता है। कुबीजा मालिन के प्यार के गीत बनाकर कविजन गुनगुनाते हैं। गुरबाणी में भी यह आता है, कुबीजा ओधरी अंग सुटधार, बसंतु राग आओ श्रद्धालु और भक्तों जानो। आज आपको कुबीजा की कथा सुनाते हैं। श्रद्धा और प्यार से जो स्त्री पुरुष यह कथा श्रवण करेगा, उसके हृदय और आत्मा में प्यार उमड़ आएगा। कुबीजा एक दासी थी। वह राजा कंस के राजमहल के बगीचे में मालिन का कार्य करती थी। सारे लोग उसको कुबीजा मालिन कहकर बुलाते थे। उसकी आयु अभी अल्प थी और वह अल्प आयु से ही अत्यंत सुंदर थी। लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला कि वह कमर से कुबड़ी थी। वह कुबड़ी होकर चलती थी, तभी उसका नाम कुबीजा पड़ गया। उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता की हर कोई प्रशंसा करता था, लेकिन जब उसके कुबड़ेपन को देखता तो ईश्वर को कोसता कि ऐसी सुंदरता देकर कुब क्यों प्रदान किया। लेकिन ईश्वर की लीला को कोई नहीं जानता। वह खेल था जो समय के साथ होना था। युवा होकर जब भगवान कृष्ण जी मथुरा पधारे तो एक दिन कृष्ण जी और कुबीजा का मेल हो गया। वह फूल और घिसा हुआ चंदन लेकर राजा कंस की ओर जा रही थी। उसने जैसे ही कृष्ण जी के दर्शन किए तो मानो उसके पैरों में जंजीर पड़ गई हो। उसके हृदय में मीठी सी कपकपी हुई। उसके मोटे नरगिस नयन मोहित होकर चुंधिया गए। वह उनको देखती रही। उसने एक फूल माला श्री कृष्ण जी के गले में डाल दी और साथ ही चंदन का तिलक लगा दिया। तिलक लगाते समय यह याद न रहा कि तिलक राजा कंस को लगाना था। यदि राजा कंस को इस बारे में पता चला तो वह मौत के घाट उतरवा देगा। कंस बड़ा दुष्ट था, अत्याचारी राजा था, परंतु कुबीजा ने प्रभु को चंदन और तिलक लगा ही दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका यह अनुराग देखा तो आप दयालु कृपालु हो गए। उन्होंने कुबीजा मालिन की ओर निगाह भर कर देखा। प्रभु ने दया में आकर उसके कुबड़ापन को दूर करने के लिए विचार किया। आप विष्णु अवतार महाकाल शक्तियों के स्वामी थे। मालिन के एक पैर पर अंगूठा अपने चरण का रखकर कंधे से पकड़कर ऐसा खींचा कि वह एकदम सीधी हो गई। उसका कुबड़ापन उसी पल दूर हो गया। वह तो मानो मूर्छित सी हो गई। भगवान कृष्ण की इस कृपा का यश करती हुई गीत गाने लगी और श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिरकर उनको चूमने लगी। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से विनती की, हे प्रभु, दासी को अपने चरणों में रखें। आप तो परमात्मा हैं, आप सृष्टि के पालक हैं। श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मालिन, धैर्य रखो, समय आएगा तो तुम्हारा प्रेम प्रवान होगा। अभी शीघ्र जाओ और कंस को तिलक लगाने तुम जा रही थी सामग्री लेकर उसे तिलक लगाओ। यह कहकर भगवान आगे चले गए। मालिन कंस के दरबार में पहुंची, लेकिन उसका मन प्रभु के चरणों में ही लिवलीन था। उसको सीधी सुंदर खड़ी देखकर हर एक ने इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसने कुबड़ेपन को ईश्वर द्वारा दूर करने के बारे में किसी को कुछ ना बताया। जब कंस के अत्याचारों तथा पापों का अंत करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा गोकुल और वृंदावन के राजा बन गए तो उन्होंने कुबीजा को तारा दर्शन देकर कृतार्थ किया। यह है मालिन और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा। जो श्रद्धा प्रेम से सुनेगा वह भव सागर से पार हो जाएगा। ईश्वर कल्याण तथा प्रेम प्रदान करें।